Boing. Bingo Comedy Adda. हेलो एंड वेलकम टू बिंगो कॉमेडी अड्डा। मैं हूं नवेद। स्वागत है आपका कॉमेडी से भरे एक अनोखे शो बिंगो कॉमेडी अड्डा में। यहां हर रविवार होंगे कई अनोखे सेलेक्ट्स जिनसे करेंगे हम कुछ टेढ़ी मेढ़ी बातें। बीवी की वाइंस बोलते हैं तो मैं चढ़ जाता हूं। क्यों? अम्बानी को देख के बोला अरे रिलायंस। खूब होगी मस्ती, खूब होंगे प्रैंक्स। इनका तो हो गया बॉइंग। मुझे पता था ये रेडियो पे भी काटते हैं, यहां पे भी काटते हैं। और देंगे हम आपको कॉमेडी का ओवरडोज। कैसी चल रही है सर शादी? जैसी आपकी। शुरू करते हैं बिंगो कॉमेडी अड्डा। दोस्तों अब वक्त आ गया है कॉमेडी अड्डा में आज की शाम के गेस्ट को इनवाइट करने का। प्लीज वेलकम यूथ सेंसेशन जिसने इंटरनेट को रूल किया, यूट्यूब के बादशाह भुवन बाम। एक बात मुझे माननी पड़ेगी भुवन, आपकी आपके करियर की बात करते हैं और शुरुआत की बात करना चाहूंगा मैं। आपने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत एक बार में जाके गाना गा के की थी, है ना? तो मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये गाने का शौक था या बार में जाने का बहाना था? तो इसलिए क्योंकि एक 19-20 साल के लड़के को अपनी पसंद के गाने पब्लिक के सामने गाने का मौका मिलता था और कलमी कबाब। अच्छा। तो जब वहाँ मेरा पक्का हुआ जाना, जब मैं रेगुलरली जाने लगा, तो एक मेरे लिए वजह ये भी थी कि वहाँ जाके डिनर तो फ्री हो गई। तो वो सब चीजें मैं खाता था, बट हाँ। अजय बताइए, वैसे जब बार में आप सिंगिंग करते थे, गाने गाते थे, क्योंकि दिल्ली वाला मैं भी हूँ तो मेरे समझ में आता है, कभी ऐसा हुआ है कि आपका गाने का कुछ और मूड हो रहा हो और सामने कोई बैठा हुआ, ओ भाई वो वाला गा मेरी चॉइस का? हमेशा, मतलब दिल्ली तो पता ही आपको, दो पैक गई नहीं अंदर तो सबके अंदर का किशोर कुमार बाहर आ जाता। वैसे भुवन बहुत अच्छी बात है यार, उन चीजों से आप दूर रहते हैं ना, उन नशे वशे की बात नहीं करते, लेकिन यहाँ पे मैं आपकी खातिरदारी करना चाहता हूँ ना, क्योंकि जितने सवाल होंगे वो टेढ़े मेढ़े होंगे। हाँ। तो आपके लिए खास तौर से बिंगो टेढ़े मेढ़े मसाला तड़का। हाँ, अब मजा आएगा टेढ़े सवालों में। तो ऐसा ही, ये तो खा रहे हम, लेकिन कॉलेज के दिनों से मेरे को मैड एंगल बड़े पसंद है। हाँ, मतलब जब घर वाले, हाँ, जब घर वाले बाहर जाते हैं किसी परचून की दुकान में, तो मैं कहता हूँ यार वो ट्रायंगल ले आना। अच्छा भुवन, ये बताइए कि फैन मोमेंट जो होते हैं बड़े कमाल के होते हैं, अब तक सबसे तिगड़म रिक्वेस्ट कौन सी लगी है आपको? अरे यार ये बात है इधर अपना साकेत की। अच्छा। 2-2.5 साल पहले की बात है। और तो क्या है, दिल्ली के 40 डिग्री में भी इधर तक मास्क और वो कैप, और कैप और हुडी और चश्मा वो लगा के मैं गया, क्योंकि बहुत भीड़ थी उधर। मैं बाहर निकल रहा हूँ वहां से और दरवाजा खोला है मैंने, तो मुझे कोई एक महिला दिखी आती हुई, मतलब मेरी एज ग्रुप की थी वो। तो मेरे को ऐसे पेरिफेरल विजन से दिख गया कि शी हैज नोटिस्ड। अच्छा। हाँ, तो अक्सर लोग मुझे भावों से पहचान लेते हैं, क्योंकि मैं दुपट्टा लगाता हूँ ना। हाँ, हाँ, तो उसमें सिर्फ भौहें दिखती हैं। सिर्फ भौहें दिखती हैं। तो मम्मी का कैरेक्टर है वो। तो लोग भौहें, और एक मेरा ये बार उठा रहता है हमेशा भौहों का। तो मैं ऐसे गया और मुझे रियलाइज हो गया, क्योंकि अब ना मैं बाहर जा रहा हूँ ना वो अंदर आ रही है, और मैं ऐसे खड़ा हूँ। फिर मैंने ऐसे देखा और मैंने ऐसे सॉरी बोल के मैं ऐसे निकल के चलने लगा। अच्छा। अब मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज होने लगी, मैं गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ और पीछे से चीखने चिल्लाने की आवाज़, एंड शी इज रनिंग बिहाइंड मी, मुझे रियलाइज हो गया। तो मैं रुका, मैं मुड़ा एंड हाँ, और वो रोने लगी। अच्छा। अब आजू बाजू वालों को लग रहा है ब्रेकअप हुआ। मैं कह रहा हूँ अरे आप क्यों रो रहे हो? नहीं आप ही हो? मैं हाँ मैं ही हूँ। कहती मुझे ऑटोग्राफ चाहिए। मैं हाँ बिल्कुल, मैं तो सेल्फी हुई। हाँ। फिर उन्होंने पेन दिया मुझे। अच्छा। अब मैंने कहा साइन किधर? तो उन्होंने ऐसे ऐसे पलटे और उन्होंने ऐसे किया कि यहाँ साइन दे दो। अब सब लोग किसी के मुँह से खीरा लटक रहा है, यहाँ कोई ऐसे देख रहा है।
और पेन दे दिया उसको, क्या दे दिया, तो मैं इटैलिक्स में एकदम पेन टेढ़ा करके इटैलिक्स में कि लगे भी ना, और मैं हल्का हल्का ऐसे देख रहा हूँ और मैं मन ही मन कह रहा हूँ यार जल्दी भागना है यहाँ से, लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं, और मैंने हल्का सा बी भी ऐसे लिख दिया और मैंने कहा थैंक यू मैं जा रहा हूँ, और मैं चुपचाप मुंह नीचे करता हुआ मैं वहां से निकल गया। अब आपको ये बताता हूँ, भुवन का पहला वीडियो जो वायरल हुआ था वो था द चकना इशू, है ना। और किसी भी चीज को बनाने के लिए ना इंस्पिरेशन होनी बड़ी जरूरी होती है, तो ये किसको चखने की जरूरत पड़ गई थी, किससे मिली थी इंस्पिरेशन? ये मेरा पूरे जीवन का सार है। अच्छा। कि मैं उन बेकार लोगों में से हूँ जिसके लिए चखना है वो नहीं खा पाते और मैं खा जाता हूँ सारा चखना। तो अगर दोस्त बैठे हैं, अगर हम 5-6 जने बैठे हैं तो सबका चल रहा है कुछ ना कुछ, पीन दान सबका चल रहा है कुछ ना कुछ, और उनके लिए वो चखना आया हुआ है और हम कुछ बातें बातें कर रहे हैं, और क्योंकि उनका अपना फ्लो बना हुआ है, उनका फ्लो बना हुआ है, वो कह रहे घूट के साथ, और मैं हर बात पे तो मतलब सामने से टोक देता आदमी कि बाम थोड़ी शर्म कर ले यार। मैं क्या, वो कह रहा यार कौन लेके आएगा, तू ही जाएगा लेके आएगा। तो उस पे था वो कि कैसे जो नॉन ड्रिंकर होता है वो जल्दी चकना खत्म कर देता है। अच्छा भुवन एक चीज बताइए, ये मैंने सुना है ऐसा जब से मुंबई आया हूँ कि फिल्म मेकर्स जो होते हैं जब वो फिल्म बनाते हैं तो बॉक्स ऑफिस को माथा टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप जब वीडियो बनाते हैं और वीडियो अपलोड करते हैं, कभी दिल कराया कि जाके टावर को माथा टेक लें? मैं अपने वाईफाई राउटर का माथा टेकता हूं। अच्छा। कि तू ढंग से अपलोड कर दे यार। कई बार ऐसा हुआ है 97% पे आके रुक जाता, फिर कई बार लगता है ये कहीं साइन तो नहीं ऊपर वाले का, कहीं मत डाल। ये आपके जो फैंस हैं ये आपको किस नाम से बुलाते हैं? ये काफी लोग देख रहे होंगे तो मैं आज क्लियर कर देता हूँ कैमरे के सामने कि यार मेरा नाम भुवन, BHUVAN, N से नागपुर, N से नागपुर, भुवन बाम है, BAM। लोग मुझे मिलते हैं, अरे भूषण जी आपने जो किया है, अरे भूगम 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 जी आपने जो किया है, अरे भूगम जी भूकंप जी जो आपने किया है। चलिए एक चीज तो आपने क्लियर कर दी कैमरे पे, लेकिन आपसे मैं अगर कहूं कि आपको खुद कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि मुझे इस नाम से पुकारो यार, बीबी की वाइन है, बीबी है, भुवन है, बीबी लोग बहुत प्यार से बुलाते हैं, बीबी अच्छा लगता है मुझे। अरे यार बीबी भी अच्छा लगता है और भुवन तो है ही, लोग बीबी की वाइन बोलते हैं तो मैं चढ़ जाता हूँ। क्यों क्यों क्यों? मैं तुमने कभी अमानी को देख के बोला अरे रिलायंस? मेरा हमेशा से ये रहता है। एक चीज जो मुझे खास तौर से मुझे पूछनी थी, मुझे बहुत खुशी हुई थी जब पता चला कि शाहरुख खान भी आपके फैन है ना। एक चीज ऐसी दिमाग में आई, आपके भी फैंस हैं शाहरुख के भी फैंस हैं, तो इन दोनों के फैंस में क्या फर्क हो सकता है? एक फर्क जो मुझे लगता है वो ये कि शाहरुख को शायद ज्यादा लड़कियां पसंद करती हैं, आपको लौंडे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हाँ मतलब बोथ आर वेलकम वैसे। मेरे को ऑन पेपर देखा जाए जैसे हमें स्टैट्स में दिखता है, इनसाइट्स में दिखता है अपने चैनल के उसमें स्टूडियो में, तो उसके अंदर पता लगता है कि 80 और 20 का रेशियो है। अच्छा। हाँ मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। हाँ बट ऑन ग्राउंड, ऑन ग्राउंड आई मीट मोर गर्ल्स। अच्छा ऑन ग्राउंड ज्यादा लड़कियों से, लड़कियों से मिलते हैं क्योंकि अपेरेंटली उनका ये कहना है कि हमने आपको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ क्योंकि हमारे भाइयों ने मना किया हुआ। इनके भाई, एक तो मैं उन भाइयों से विनती करता हूँ यार प्लीज ऐसा नहीं करो यार, तुम देखते हो मुझे पता है तुम लोग देखते हो, सबको देखने दो ना, लेट एवरीवन एंजॉय, हेडफोन किस लिए बने? अच्छा भुवन एक चीज मुझे बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि आप शूटिंग कर रहे हैं और शूटिंग करने के बाद आपको अंदाजा हुआ हो अबे ये तो मुर्गा बन गया मेरा? यार आपने दुखती रख पे हाथ रख दिया। किसी ब्रांड का वीडियो था। अच्छा। और उन्होंने बोला कि भुवन एक काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है हमारे। मैंने कहा हाँ जी प्लीज बताइए। कि आपको चलते प्लेन से 15,000 फुट से छलांग लगानी है और आपको 2018 की top 10 खबरें पढ़नी। और मेरे दिल में ऐसा हुआ कि अरे यार ये तो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी यार, ये तो करना चाहिए, मतलब ये पाथ ब्रेकिंग, दिस इज समथिंग जो हमें करना चाहिए बिल्कुल। उन्होंने मुझे तैयार किया पहले, तो पूरा एक वो पहनाया सूट वूट पूरा जो उनका पहनाया। अच्छा। जिप ऊपर नहीं जा रहा। जिप यही है, अब ऐसा नहीं होता जिप एक बार ऊपर जाता है यहाँ से भी खुल गया यहाँ से भी खुल गया। मैंने कहा ये क्या है? क्या नियम फिक्स करते हैं, मोमबत्ती लाए, मोमबत्ती घिस रहे हैं इधर, मोमबत्ती घिस रहे हैं। फिर उन्होंने पूरा गियर वेयर पहनाया, फिर एक कैमरा इधर लगाया, एक कैमरा इधर लगाया, एक सेल्फी स्टिक भी होनी थी मेरे हाथ में जिसपे कैमरा था। अच्छा। प्लेन के अंदर 4 कैमरा थे और एक रशियन इंस्ट्रक्टर था। वो प्लेन उड़ा, अब मैं थोड़ा सा ऐसे झुकाऊं और मुझे नीचे सिर्फ बादल दिख रहे हैं,
और मैं कह रहा हूँ यार मैंने ना गलती कर दी, मेरे को यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। और हम कूदे, आई पास्ड आउट, मैं हो गया बेहोश। अच्छा, फिर उसने जैसे जैसे ऐसे ऐसे हिलाया, मुझे उठाया और उसने मेरे हाथ में सेल्फी स्टिक पकड़ाई, स्टार्ट 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 कि अब स्टार्ट करो जल्दी। मैंने जैसे तैसे ख़त्म किया, जैसे जैसे हम लोग लैंड हुए, मैंने शुक्र किया ऊपर वाले का, मैंने वो पैराशूट पूरा उन्होंने आके खोला और मैं एकदम फुल, वो कौन सी फिल्म थी वो, जब तक है जान वाली वॉक, मैं ऐसे ऐसे करते हुए जा रहा हूँ और मैं शुक्र मना रहा हूँ यार ये क्या सही हो गया यार, ये क्या पाथ ब्रेकिंग चीज़ है, क्या पाथ ब्रेकिंग चीज़ है। फिर अब मैं वहाँ चाउमीन खा रहा हूँ, इतने में एक बंदा आता बगल से, एक और पकड़ते हैं क्यों, और मैं ऐसे खा रहा हूँ, मेरे को लगा मैंने गलत सुना है, मैं कंटिन्यू आई एम कंटिन्यू आई एम कंटिन्यू आई एम वन, खा लो पी भी लो और एक और बार करते हैं। और मैं ऐसे, वो रोने वाली शक्ल हो रही है मेरी, क्यों, कैमराज ऑन नहीं थे बट करते हैं एक और बार, मैंने तू मेरे से पैसे ले ले, तू कर ले जो तूने मेरे को एडवांस दिया वो तू ले लेना, तू करके अलग कर, कह रहा नहीं फोन करना तो पड़ेगा। फिर हमने जो कॉन्ट्रैक्ट देखा उस दिन के बाद से कॉन्ट्रैक्ट ऐसा पढ़ने लगा हूँ ना मैं, उसमें लिखा था, उसमें लिखा था कि मिनिमम दो बार तो करना ही पड़ेगा। I'm sorry. एक सेकंड, भुवन भुवन ये दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि ये कैमरा नहीं चल रहा था, दोबारा करें। हाँ ये तो कर भी सकते हैं जो होगा उससे तो बेहतर ही होगा। अच्छा भुवन ये बताइए कि फैंस की रिक्वेस्ट जो होती है ना वो भी बड़ी अजीब अजीब होती है, तो कोई ऐसी रिक्वेस्ट है किसी फैन की कि यार भुवन भाई ये नहीं ये कर यार? होता है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द जनता है, क्योंकि अभी इतने सालों से अगर आपने देखा हो तो मेरी जो सराउंडिंग है वो सेम है। अच्छा, आपको हाँ, वही हाँ। एक पर्पल दीवार देखेगी और वही घर देखेगा, वो हाँ। मेरे घर की छत है जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ, जहाँ मैं एग्जाम्स के लिए पढ़ा हूँ, और घर का सारा बेकार सामान वहीं डंप होता है हाँ। तो वहीं मैंने अपनी सारी वीडियोज़ बनाई हैं। तो अभी 2 साल पहले मैं चाहता था कि आई बाबा को एक नई सराउंडिंग दूँ, नया घर लेके दूँ, तो वो हो गया, तो अच्छा। अभी वो लेके दिया, मैंने सोचा कि एक बार इसमें वीडियो बना के देखता हूँ नए वाले। हाँ नए वाले। अच्छा। तो फिर लोगों ने बोला नहीं यार वो पुराना वाला ही सही था, फिर मैंने एक और वीडियो बनाया हाँ। उसी घर में वापस हाँ। तो फिर लोगों ने वापस बोला कि नहीं यार ये, फिर मैंने DMs खोल के देखे तो उसमें लोगों ने बोला था कि यार उस घर में कुछ कनेक्शन है, ऐसा उस दीवार में कुछ कनेक्शन है। तो अभी हो गया मेरे को वो दिन, और आज का दिन है मैं जब वीडियो बनाना होता है मैं वापस उस घर में जाता हूँ और उसी टेरेस पे आई शूट। भुवन तुम भी इधर आओ, तुम भी दिल्ली वाले, मैं भी दिल्ली वाला, और जो तीसरा आ रहा है ना ये भी दिल्ली वाला है, जब दो दिल्ली वाले बैठे हों ना तीसरे का क्या हाल करते हैं अब पता चलेगा, क्योंकि मिलके करेंगे हम उसका बॉइंग। प्लीज वेलकम गौरव सेठिया। हेलो सर। गौरव सेठिया? नहीं गौरव कपूर। नहीं मेरे को सेठिया बोला था ना। PCR, आप गौरव कपूर हैं? गौरव सेठिया आप? नहीं मेरे को गौरव सेठिया बोला। आपको गौरव सेठिया बोला? हाँ। तो गौरव सेठिया अभी गौरव सेठिया को बुला लीजिए ना। गौरव सेठिया कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ। नहीं मुझे पता नहीं मेरे को, आप देख लो। आप एक काम करिए गौरव सेठिया को बुला लीजिए, इतने हम ब्रेक ले लें। हाँ ब्रेक ले लो आप। ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक ले। कट कर दो। मेरे को सेठिया बोला था। अरे पर कोई गौरव सेठिया है ही नहीं। नहीं पर मेरे को बोला था सेठिया है। आप एक काम करिए ना भुवन, एक काम करते हैं डिपॉल भाई, आप बैठ जाइए। अच्छा ठीक है, सेठिया है ही नहीं तो सेठिया को बुला लेता हूँ। मैं नहीं बुला रहा। ए भाई क्या यार मेरा दिल कर रहा है ऐसे। हेलो भाई कैसे हो आप? कैसे? थैंक यू बोन बॉइंग कर दिया नावे भी नहीं प्रैंक। अरे भाई मेरे को पता है आप ना कॉमेडी मुर्गा बनाते मुझे। अरे भाई वैसे मैं आपको ये बता दूं ये है गौरव कपूर, जब मुझे हंसना होता है ना तो मैं इनको देखता हूं। सो प्लीज वेलकम गौरव कपूर और इनका हो गया पॉइंट। थैंक यू सो मच।
क्या गौरव, मैं मान गया यार, कितने कमाल के और प्यारे इंसान है, कितने प्यार से बॉइंग किया और ये बुरा नहीं माना यार। अब बुरा नहीं मानना, अब सिर्फ हंसना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू नावेद भाई, थैंक यू भुवन भाई। मैंने ना एक चीज नोटिस करी है कि मैं कभी किसी बहुत भीड़ वाली जगह पे होता हूँ ना, जहाँ बहुत भीड़ होती है, जैसे हमने दिल्ली मेट्रो हो गई या मुंबई में लोकल हो गई, तो मैंने नोटिस करा है जो मेरे इमीडिएटली आगे बंदा खड़ा होता है ना, वो एक बार घूम करके मुझे देखता है और फिर अपनी जेब पे हाथ मारता है। और अब इसके बाद ये मेरी जिम्मेदारी कि कोई इसकी पॉकेट ना मार ले, तो मैं इसे लोगों से बचा रहा हूं कि दूर रहो भाई, क्योंकि अगर गलती से इसका बटुआ गिर गया तो उड़ता हुआ थप्पड़ मेरे मुंह पे आने वाला है यार। मैंने एक और चीज नोटिस करी है कि अभी तो मैं फुल टाइम स्टैंड अप कर रहा हूँ, पर पहले ना मैं जॉब करता था। अच्छा। और जब मैं जॉब करता था ना, तो मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी और पहले ही दिन उस कंपनी की एचआर मुझे बोलती कि गौरव अपनी सैलरी किसी को मत बताना, ये एक इंटेग्रिटी इशू है। और मैंने कहा सुनो, आज जिस सैलरी पे मैंने ज्वाइन करा है ना, अब मेरे में कोई इंटेग्रिटी बची नहीं है। मैंने कहा बहन मेरा छोड़, तू मत बता दियो किसी और को, समझ गई, वरना ज्यादा बेइज्जती तुम्हारी कंपनी की होगी। नहीं कसम से भुवन भाई, मेरी इतनी कम तनख्वाह थी, अगर मैं दादाजी के एक महीने पैर दबा देता ना तो मैं ज्यादा पैसे कमा लेता। एक बंदे की सैलरी आती, फर्स्ट सैलरी आती एक बच्चे की, वो फर्स्ट सैलरी से क्या करता है, माँ बाप को देता है, एज अ जेस्चर माँ बाप को देता है। मेरी फर्स्ट सैलरी आई, मैंने माँ बाप को दी, उन्होंने उसमें 2000 रुपए डाल के मुझे वापस कर दिया। और एक दूसरे को देख के बोला साले को 5-7 साल और पालना पड़ेगा। वो मैंने एक चीज नोटिस कर ली है, जैसे जो हर कंपनी में सबसे जूनियर एम्प्लॉइज देखे आपने, ये देखे सस्ते एम्प्लॉइज जो नए नए ज्वाइन करते हैं, इन जूनियर एम्प्लॉइज को सब टॉप मैनेजमेंट की सैलरी पता है। इन लोगों का फेवरेट टाइम पास यही होता है, ओनर और सीईओ की सैलरी डिस्कस करना। मैं एक बार जॉब करता था, मेरा दोस्त आया मेरे पास थोड़ा लगा के, कह रहा भाई तुझे पता है, तुझे पता है ये सीईओ ये साल का 4 करोड़ कमा रहा है, तुझे पता है? मैंने कहा वो तो कमा रहा है साल का 4 करोड़, पर तू महीने का 8000 ले रहा है, तो थोड़ी अपनी तनख्वाह बढ़ाने पे ध्यान देना। कह रहा नहीं भाई वो छोड़, तुझे पता है वो 4 करोड़ में क्या क्या कर सकता है? मैं क्या कर सकता है? कह रहा भाई महीने का 30 लाख आता है इसके हाथ में कम से कम। कह रहा इतने में ना ये सीईओ हर महीने ग्रेटर नोएडा में एक नया 1 BHK खरीद सकता है। ग्रेटर नोएडा माने मुंबई का खोपोली। एंड आई एम लाइक इस बंदे की सोच कितनी छोटी है, ये 30 लाख रुपए महीने पे भी ग्रेटर नोएडा जा रहा है। इसको लग ही नहीं पा रहा है टोल से पहले कभी दिल्ली में घर ले पाएगा। सो पीपल गो एंड बाय प्रॉपर्टीज इन ऑल द आउटस्कर्ट एरियाज ड्यू टू द बजट रीजंस। वंस दे बाय प्रॉपर्टी इन ऑल द आउटस्कर्ट एरियाज दे स्टार्ट मेकिंग पीस विद देयर लाइफ। उनको अचानक से वही घर अच्छा लगता है। दे स्टार्ट जस्टिफाइंग दैट प्रॉपर्टी परचेज कि ये बांद्रा थू ये ग्रेटर के लाश छी हमको पसंद ही नहीं है, हमें वही अच्छा लगता है खुल्ला खुल्ला थोड़ी हरियाली रहे आसपास थोड़ा जंगल रहे घर आओ लगे तो सही अपने घर आ रहे हैं। और फिर एक दिन उस घर में से निकलता है तेंदुआ। तेंदुआ माने वो वाली बिल्ली जो खा जाएगी। और फिर आंटी कुंडी लगा के बिना चप्पल के बाहर भगती है कि बेटा बचा लो घर में जानवर आ गया है। और मैं कहा आंटी तेंदुआ शिफ्ट नहीं हुआ था, तेंदुए का बैंडर यही है, वो यही रहेगा। ओके गाइस दैट्स व्हाट आई एम, थैंक यू सो मच, आई होप यू गाइस हैड अ गुड टाइम। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। वो ने काम मैंने आपका भी देखा था डबिंग वाला और बहुत कमाल का था। अब यहां मैं आपसे कुछ करवाऊंगा, मैं एक वीडियो चलाऊंगा यहाँ पर, उसको हम म्यूट कर देंगे। जब वो आप वीडियो देखेंगे आपके दिमाग में जो आ रहा है ना अपने डायलॉग में कुछ बाहर निकालिए। हाँ शुरू करें, चलिए वीडियो क्लिप चलाइए भाई। कैसे बताऊं दादी जी को शादी पे जाना ही नहीं है मुझे। दादी क्या हुआ तुझे, क्यों मुंह फुला के बैठी है, इधर आ। दादी जी मैंने डीओ नहीं लगाया है। कोई बात नहीं बेटा, हम भी नहीं लगाते थे, पर दादी कुछ तो लगाना पड़ेगा ना, सब लोग लगा के आएंगे डीओ। क्यों वो महकेंगे तो अच्छा माहौल बनेगा ना शादी में। बेटा
हमारे जमाने में जब हम शादी पे लगाते थे तो बाम लगा के जाते थे, यूट्यूब वाला नहीं, लगने वाला बाम। थैंक यू सो मच भुवन, कमाल के यूट्यूबर इन्हें, कमाल के इंसान है और कमाल का कैरेक्टर किया इन्होंने यार। एक बार जोरदार तालियां भुवन के लिए वंस अगेन। और मुझे मालूम है मजा आपको भी आया और इस मजे को हम जारी रखेंगे। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा। देखते रहिए बिंगो कॉमेडी अड्डा। इस शो में आपसे सारे सवाल टेढ़े पूछे जाएंगे। हमसे सीधा सवाल का जवाब भी टेढ़ा देते हैं तो टेढ़े का क्या देंगे। मैं दर्जे डिस्को शूट कर रही थी और शायद मैं तभी 3 या 4 महीना प्रेग्नेंट थी। ये ऐसे होता था कि शाहरुख आता था, शर्ट उतारता था और मेरी उल्टी हो रही थी। बिफोर अ पारुल शक्ति आई वाज नेम पारुल। सोचिए मतलब एंटर कर रहे हैं पारुल। अच्छा लगता आपको? लड़की होती तो अच्छा लगता। जब मैं जॉब करता था ना, मेरी इतनी कम तनख्वाह थी, अगर मैं दादाजी के 1 महीने पैर दबा देता ना तो मैं ज्यादा पैसे कमा लेता। मेरी फर्स्ट सैलरी आई, मैंने माँ बाप को दी, उन्होंने उसमें 2000 रुपए डाल के मुझे वापस कर दिया।